हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो चैप्टर नंबर 3 है। हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन चल रहे हैं। हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट ऑफ कंबशन एट द स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन। एक जेट एयरप्लेन है जो 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और वो अपने कंबशन के प्रोडक्ट, जिसे हम लोग स्मोक बोल सकते हैं, धुआं, वो 1500 पर किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू जेट प्लेन की स्पीड से बाहर निकाल रहा है। द स्पीड ऑफ लेटर, लेटर मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कंबशन की बात की गई है, तो उनकी स्पीड हमें पता करनी है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो कि ग्राउंड पे है। तो चलिए मोशन डिसाइड करेंगे हम लोग लाइक दिस। तो ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई। तो हम लोग ये मानेंगे कि जो हमारा एरोप्लेन है वो लाइक दिस ऐसे मूव कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो स्पीड ऑफ जेट एयरप्लेन की है उसे हम लोग पॉजिटिव करेंगे, क्योंकि राइट साइड की डायरेक्शन में है, तो वो हो गई 500 किलोमीटर पर आवर। इसको अपन वी जे लिख लेते हैं। देन स्पीड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन, जलने के बाद जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी जो स्पीड है उसे हम लोग लेट कर लेते हैं वीपी, क्योंकि हमें वो नहीं पता। ये रिलेटिव दी हुई है वैल्यू 1500, हमें वीपी नहीं पता, तो जो गिवन है उसको क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ जेट एयरप्लेन। तो ये दिया हुआ है आपको 1500 किलोमीटर पर आवर, लेकिन क्योंकि पहले स्पीड ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो जो प्रोडक्ट है वो पीछे की तरफ निकलेंगे। हमें पता है अगर जेट एरोप्लेन आगे की तरफ जा रहा है तो जो प्रोडक्ट होंगे वो पीछे की तरफ चलेंगे, तो वी हैव टू प्लेस माइनस हेयर। तो आपको पता है रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट्स मतलब पी और जेट एरोप्लेन मतलब जे, तो दैट इज इक्वल टू -1500। तो इसे अपन वीपी -VJ लिखेंगे। वीपी की वैल्यू हमें नहीं पता, वीजे की वैल्यू 500 है और पॉजिटिव है, नेगेटिव तो फॉर्मूले की वजह से यूज हुआ है, -1500। तो प्रोडक्ट्स की जो मतलब स्पीड आएगी उसे कैलकुलेट करने के लिए 500 प्लस का, तो इट विल बी माइनस का 1000 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं कंबशन की उनकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर है। माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो जेट एरोप्लेन की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट इनकी जो डायरेक्शन होगी वो निकलेगी। तो ये तो आगे चीज, अब हमें पता करना है, स्पीड ऑफ प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो कि ग्राउंड पे है, यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट वी PO, P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट्स, O स्टैंड फॉर ऑब्जर्वर, तो यानी कि VP माइनस VO। VP की वैल्यू आपके पास माइनस का 1000 आई है, ऑब्जर्वर जो है वो कोई मोशन मूव नहीं यहाँ पे दिखाया हुआ, तो इसका मतलब हमें बाय डिफॉल्ट उसे रेस्ट पे लेट करना पड़ेगा, तो 0, तो यानी कि हमारा आंसर आ गया माइनस का 1000 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, कंबशन प्रोडक्ट सॉरी, वो किसी बंदे को जो ग्राउंड पे है उसे उनकी स्पीड क्या लगेगी, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसे लगेगी। नेगेटिव अगेन वही चीज है, कन्वेंशन डायरेक्शन कि
जेट एरोप्लेन आगे जा रहा है और आपका जो प्रोडक्ट्स हैं कंबशन के वो पीछे की तरफ मूव करेंगे। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।